किया हुआ। जब ज्ञानवापी मस्जिद में पुनः एसआई का सर्वे किया गया और तहखाने में हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो सबूत प्राप्त हुए वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआई की टीम ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू कर दिया है और शनिवार सुबह 9 बजे से सर्वे का कार्य आरंभ भी हो चुका है। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष की अपील को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग करी थी। 5 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 8 बजे एसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए पहुंच चुकी थी और सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसके बाद दोपहर का लंच करने के बाद दोबारा सर्वे का काम किया गया जो कि शाम 5 बजे तक चला। और शनिवार के दिन हुए इस सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सच्चाई कुछ यूं निकल कर आई है कि सभी मुस्लिम पक्ष के लोगों का मुंह बंद हो चुका है, संसार में सनातन धर्म का डंका बज चुका है और आपको भी इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि सचमुच में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ही किया गया है जो एक समय पर काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा था। जब एसआई की टीम मां श्रृंगार गौरी मंदिर के पश्चिमी दीवार पर पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर जो कलाकृतियां बनी हुई थी वो हिंदू धर्म से संबंधित लग रही थी। श्रृंगार गौरी दीवार पर हाथी की सुंड नुमा आकृति, स्वास्तिक के निशान, कमल फूल व कलश की आकृतियां प्राप्त हुई है। जब एसआई की टीम नंदी जी के सामने बने व्यास जी के तहखाने में पहुंची तो वहां उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कई मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। वही हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने कहा कि मौके से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसे माप लिया गया है, घास को साफ करके मूर्तियां अंदर से निकाली गई है और ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मिला यह सबसे बड़ा सबूत है कि सचमुच में एक समय पर यह काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा था। कहते इस छानबीन के बाद ज्ञानवापी परिसर में पहली शिफ्ट का सर्वे पूरा हो गया और दूसरी शिफ्ट का सर्वे 2:30 बजे से शुरू होने वाला था। अब आपके सामने कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत दिखाई देंगे जो आपके भी होश उड़ा देंगे। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया कि अगर ज्ञानवापी एक मस्जिद है तो उसके अंदर कमल और शंख की आकृति आखिर क्या कर रही है। कई नेताओं ने सर्वे के खिलाफ आवाज उठाई है और ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एसआई सर्वेक्षण पर पहले मुस्लिम पक्ष खामी दिखा रहे थे, लेकिन अब वे भी इस सर्वेक्षण से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कल तक हम इस सर्वेक्षण में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन आज वे खुद आगे रहकर एसआई टीम की सहायता कर रहे हैं। ये महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एसआई की टीम सर्वे के दौरान कई बातों का पता लगाने वाली है। आखिर ढांचे के नीचे क्या है, तहखाने के अंदर जो मूर्ति मिली है वो कितने सालों पुरानी है, उसकी उम्र भी पता लगने वाली है, और क्या ये औरंगजेब के समय की है या उससे भी पहले की। इन सभी बातों का खुलासा एसआई की रिपोर्ट करने वाली है। इसी बीच कहा जा रहा है कि कमेटी के लोगों ने कमरों की चाबी एसआई को सौंप दी है और आने वाले दिनों में जो सर्वे किया जाएगा उसके अंदर और भी ज़्यादा पोल खुलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इन 2 दिनों में ही कई सारे सबूत प्राप्त हुए हैं
जो ये बयां करते हैं कि इस मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृतियां मौजूद है। साथ ही तहखाने के अंदर काफ़ी पौराणिक मूर्ति का मिलना ये दावा करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद सचमुच में एक मंदिर है। दोस्तों, सच एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज़्यादा दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी के साथ ऊपर की ओर आता है। जब जून 2022 में वजूखाने के अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ तो सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे, क्योंकि सभी हिंदू भक्त ये समझ चुके थे कि काशी विश्वनाथ ने उनकी सुन ली है और अब फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि देखते ही देखते एक साल बीत गया। हिंदुओं के पास उनका अधिकार है, फिर भी वो अपने अधिकार से वंचित है। लेकिन अगस्त 2023 के इस सर्वे में हमारी आशा पक्की होती नजर आ रही है, क्योंकि 51 सदस्यों की एसआई की इस टीम को ज्ञानवापी में 4 भागों में बांटा गया है। और अभी मात्र 2 दिन के सर्वे में अगर इतने सबूत मिले हैं, तो जब पूरा सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी, तो हम पूरे आश्वासन के साथ कहते हैं कि न्यायालय द्वारा यही फैसला सुनाया जाएगा कि सचमुच में 1669 में औरंगजेब द्वारा ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मंदिर के अवशेषों से ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। और वे नंदी देव जो काफी समय से काशी विश्वनाथ का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं, जिस दिन ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर न्यायालय का हिंदू पक्ष के लिए निष्पक्ष फैसला आ गया, उस दिन ये पत्थर की लकीर साबित होगा कि देश में कई ऐसी मस्जिद है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है, और उसी में एक मस्जिद मथुरा की ईदगाह मस्जिद भी है। यहाँ के नज़ारे देखने पर भी स्पष्ट समझ आता है कि कृष्ण जन्मभूमि के कुछ भाग को तोड़कर वहाँ पर जबरन मस्जिद का निर्माण किया गया है, जो कि वास्तविकता में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का हिस्सा है। और जिस दिन ये फैसला आएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद सचमुच में एक मंदिर है, उस दिन मथुरा का नंबर भी पक्का हो जाएगा। दोस्तों, जामा मस्जिद को लेकर के एक बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय सामने आ रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का यह दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां बनी हैं, उनके नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां है। देवकी नंदन जी ने कहा, पहले हमारे देश में बाहर से आए मुगल आक्रांताओं ने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का और अपमानित करने का काम किया। उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया, और 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी, और वहीं से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को लेकर उसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया, ताकि सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान हो सके। आप इसे लेकर क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ये वीडियो दिल से पसंद आई है और ज्ञानवापी मसले पर आप क्या विचार रखते हैं, वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी को हर हर महादेव।